आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही डिलीशियस और बहुत टेस्टी सोया चाप की रेसिपी, जो मलाई सोया चाप है, रिच ग्रेवी में बनाएंगे, वाइट ग्रेवी में, और बड़े और बच्चों को बहुत पसंद आता है, सबको आजकल बहुत ये पसंद आता है सोया चाप की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे हैं, यहाँ पे 3 से 4 स्पून मैं ली हूँ घर की मलाई, 1/2 कप दही लिए हैं, 15 से 16 पीस ले ली हूँ काजू का, नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून काली मिर्च पाउडर, अदरक और हरी मिर्च का दरदरा सा पेस्ट लिए हैं, 1 तेज़पत्ता ले ली हूँ, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, काली मोटी इलायची 2 ली हूँ, लौंग है 5 से 6, काली मिर्च है 5 से 6, और आप यहाँ काजू के जगह पे मूंगफली दाना भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ी इलायची और लौंग और काली मिर्च का दरदरा सा पाउडर बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे मलाई सोया चाप, तो बहुत टेस्टी आपका बन के तैयार होगा। तो यहाँ हमें बस इसका बीज लेना है, अंदर का जो बीज होता है उसी को लेना है, छिलका नहीं लेना है। तो देखिए दरदरा सा पाउडर बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे सोया चाप को मैं अच्छे से धो ली हूँ। चलिए इसका पीस बना लेते हैं। पीस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। स्टिक बिल्कुल ईजली निकल जाता है और पीस आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा, तो मैं ज़्यादा बड़ा पीस नहीं बनाई हूँ। तो सारा अपना ऐसे सोया चाप मैं काट के तैयार कर ली हूँ और मिक्सिंग बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट रखेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपका मलाई सोया चाप में। उसके बाद यहाँ काजू और दही का पेस्ट बना लेंगे। तो मैं यहाँ रिपीट करना चाहूँगी कि आप काजू के जगह पे मूंगफली भी ले सकते हैं। मूंगफली भी नहीं डालना चाहेंगे तो आप मलाई और दही में भी बना सकते हैं मलाई सोया चाप। तो यहाँ मैं घी ले ली हूँ 2 स्पून। उसके बाद इसको सेल्लो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना है हमें, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। सोया चाप को फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो अंदर की लेयर होता है तो खुलता है बहुत अच्छे से फ्राई करने पे, और जब ग्रेवी में जाता है तो बहुत जूसी और बहुत सॉफ्ट बनता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो दूसरा बैच भी ऐसे ही हमें फ्राई कर लेना है। नेहा के किचन में आप लोग का स्वागत है, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सेम कढ़ाई में 1 स्पून और घी लेंगे, दालचीनी का टुकड़ा को ऐड करेंगे, तेज़पत्ता ऐड करेंगे और दालचीनी, लौंग और काली मिर्च का जो दरदरा सा पाउडर बनाए थे उसको ऐड करेंगे। उसके बाद धनिया पाउडर ऐड करके कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। तो अच्छे से भून गया है तो यहाँ गैस को के फ्लेम को बंद करिए या धीमी आंच पे रखिए, क्योंकि दही और काजू का यहाँ पेस्ट ऐड किए हैं, तेज़ आंच रहेगा तो आपका फट जाएगा, इसलिए बंद कर दीजिए। थोड़ा सा धनिया पत्ती यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मलाई सोया चाप में। ढक के पकाएंगे, धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट इसको पकाएंगे। तो देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट होने लगा है, जो काजू का और दही का घी है वो छोड़ने लगा है। तो यहाँ पे मलाई ऐड कर देंगे। मलाई को मैं मिक्सी में 1 बार चला ली थी तो स्मूद हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। ढक के इसको 5-6 मिनट और पकाएंगे। तो देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट होने लगा है। इसको बनाना बिल्कुल ईजी है, कम सामान में बहुत टेस्टी आपका मलाई सोया चाप बन के तैयार हो जाएगा। तो अपना मसाला बिल्कुल भून गया है, अब यहाँ पे पानी में ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो कम ग्रेवी में भी बना सकते हैं, थिक ग्रेवी में भी बना सकते हैं, ज़्यादा ग्रेवी में भी बना सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, पहले भी सोया चाप में नमक ऐड किए थे, उसी हिसाब से यहाँ थोड़ा कम नमक जाएगा। ग्रेवी में बहुत अच्छे से बॉयल आने लगा है।
तो जो सोया चाप यहाँ फ्राई करके रखे थे उसको ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करके ढक के पकाएंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ती और मैं ऐड कर रही हूँ। इस तरह से आप बनाएंगे सोया चाप तो सबको बहुत घर में पसंद आएगा। मेरे घर में तो बहुत पसंद आया था सबको। इसमें अच्छे से उबाल आने लगा है तो अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद ढक के पकाएंगे। जो दालचीनी का टुकड़ा ऐड की थी उसको निकाल देंगे क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ गया है ग्रेवी में, और तेजपत्ता भी यहाँ निकाल देंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ढक के 5 से 6 मिनट और पकाएंगे। देखिए कैसे सेपरेट हो गया है काजू और मलाई का घी जो होता है, बिल्कुल सेपरेट हो गया है, एकदम बढ़िया अपना बन गया मलाई सोया चाप, बिल्कुल जूसी और बहुत सॉफ्ट बना था। अभी मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट बना है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा। अगर ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी हो तो ट्राई बिल्कुल करिएगा आप लोग। बन गया है, चलिए मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको और ग्रेवी में थोड़ा रख के आप सब्जी जैसे खा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ग्रेवी भी रख सकते हैं, सेमी ग्रेवी। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए बनके कितना अच्छा तैयार हुआ है। और दही वाला मैं चटनी बनाई हूँ और लच्छा वाला यहाँ सैलेड बनाई हूँ। थोड़ा ग्रीन चटनी भी ऐड किए हैं, थोड़ा धनिया पत्ती ऐड किए हैं। ऐसे आप मलाई सोया चाप इंजॉय कर सकते हैं। और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करना और बताना आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है। अच्छा भी लगता है तब भी लिखिए आप लोग, नहीं अच्छा लगता है तब भी लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।